नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। हनुमास मेला को लेकर राजधानी से राजगीर के लिए शुरू की गई 3 नई बसें। किसानों को मुफ्त बीज बांटेगी सरकार। बिहार में जल्द खत्म होगा अल्पवृष्टि का दौर। बिजनेस आइडिया है तो इस योजना का उठाए लाभ। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के आधार कार्ड में छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मलमास मेला को लेकर राजधानी से राजगीर के लिए शुरू की गई 3 नई बसें। मलमास मेला को लेकर राजधानी से राजगीर के लिए शुरू की गई 3 नई बसें। ऐतिहासिक मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर में लगे मलमास मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उनकी सुविधाओं के लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा बिहार की राजधानी पटना से राजगीर के लिए 3 नई बसों के परिचालन की शुरुआत की गई है, जो कि मलमास मेला की समाप्ति यानी कि 17 अगस्त तक चलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 6 बसों का परिचालन किया गया था। वहीं अब 3 नए बसों के परिचालन के बाद राजगीर के लिए कुल 9 बसें चल रहे हैं, जिनमें 4 इलेक्ट्रिक, 4 CNG और 1 सेमी डिलक्स बस शामिल है। मालूम हो कि राजगीर के लिए चलने वाली यह सभी बसें बाकीपुर बस स्टैंड से खुलती है। वहीं सभी बसों के खुलने का समय भी अलग अलग निर्धारित किया गया है। इसके अलावा अगर हम किराए की बात करें तो पटना से राजगीर के लिए इलेक्ट्रिक बस का किराया 193 रुपए, तो वहीं CNG बस सेमी डिलक्स बस का किराया 150 रुपए निर्धारित किया गया है। कार्यपालक अभियंता के घर से कैश और हीरे सोने के गहने बरामद। इन दिनों बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ विशेष निगरानी की टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि ताजा मामला बिहार पुल निर्माण निगम के भागलपुर में कार्यरत कार्यपालक अभियंता श्रीकांत शर्मा की है, जिस पर निगरानी विभाग की टीम के द्वारा गलत तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित करने के मामले में जोगसर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर स्थित उनकी कोठी पर छापेमारी कर 97,80,000 रुपए नगद, करीब 67 लाख रुपए मूल्य के सोने एवं चांदी के जेवरात, 18 कैरेट के सोना के 709 ग्राम आभूषण, 24 कैरेट के बिस्किट, 18 बैंकों के पासबुक, 10 पॉलिसी में निवेश के कागजात और 20 जमीन के डीड के कागजात बरामद किए गए हैं। बता दें कि छापेमारी के बाद पुल निर्माण निगम विभाग के कार्यपालक अभियंता को निगरानी विभाग की टीम के द्वारा अपनी गिरफ्त में ले लिया गया है और फिलहाल टीम के द्वारा अवैध संपत्ति सहित कागजातों को खंगालने का काम किया जा रहा। हालांकि इस मामले को लेकर टीम की ओर से कुछ भी बताने से इनकार किया जा रहा। किसानों को मुफ्त बीज बांटेगी सरकार। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी गई है कि राज्य में बारिश नहीं होने की स्थिति को देखते हुए सरकार की ओर से राज्य के किसानों को आकस्मिक कौशल योजना के तहत 15 फसलों के बीज मुफ्त में बांटने का काम करेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में जरूरत से 45% कम बारिश हुई है, जिससे कि अभी मात्र 17,69,688 हेक्टेयर क्षेत्र में ही धान की रोपनी हो पाई है। ऐसे में इस हालात से किसानों को बांटने के लिए सरकार की ओर से कई पहल की जा रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि सूखे की हालात से निपटने के लिए सरकार की ओर से दी जा रही अनुदान पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं। वहीं राज्य के सभी DM को यह निर्देश दे दिया गया है कि किसानों को पटवन के लिए 12 घंटे बिजली की आपूर्ति करवाई जाए। बता दें, कृषि मंत्री के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दक्षिण बिहार के 9 जिलों में इस बार बारिश कम होने की वजह से धान की खेती ठीक से नहीं हुई है। वहीं राज्य के कई जिलों में नहरों की सफाई और मरम्मत का कार्य लघु सिंचाई विभाग से कराया जाएगा। बेल्ट्रॉन के प्रोग्रामर के लिए रजिस्ट्रेशन इस दिन तक। अगर आप भी उनमें लोगों में से हैं जो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट लिमिटेड यानी कि बेल्ट्रॉन में प्रोग्रामर का कार्य करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। बता दें कि बेल्ट्रॉन में प्रोग्रामर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 14 अगस्त तक चलेगी। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बता दें कि बेल्ट्रॉन के द्वारा जारी आदेश के अनुसार रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी अगर CBT आधारित दक्षता परीक्षा में सफल होते हैं तो उन्हें चयनित योग्य अभ्यर्थियों की सूची में शामिल किया जाएगा और फिर विभागों द्वारा अलग अलग समय में मांग के अनुसार इसी सूची में से तैनाती की जाएगी। बता दें कि अभ्यर्थियों से रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 1,000 रुपए लिए जा रहे, तो वही बिहार के स्थायी निवासी महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को शुल्क 250 रुपए निर्धारित किए गए हैं। बिहार में जल्द खत्म होगा अल्पवृष्टि का दौर। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लोगों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है, लेकिन अब बहुत जल्द ही बारिश का इंतजार खत्म होने वाला है। बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में इस सप्ताह झमाझम बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मुख्य रूप से 29 जुलाई के बाद बारिश हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार मौसम सेवा केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक राज्य में 35% कम बारिश हुई है। राज्य में 1 जून से 20 जुलाई तक सामान्य बारिश का औसत 400.4 mm है, जबकि राज्य में अब तक 258.7 mm बारिश हुई है। वहीं अगर हम बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो यहां जुलाई माह में 289.1 mm बारिश का औसत है, लेकिन अब तक 50% भी बारिश नहीं हुई है।
बीपीएससी 69वीं परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का सवाल। इस बार बीपीएससी 69वीं परीक्षा के तहत 379 पदों को भरा जाना है। ऐसे में इस बार पीटी परीक्षा तो हर बार की तरह संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी, लेकिन अलग अलग पदों के लिए मेंस की परीक्षा इस बार अलग अलग आयोजित की जाएगी। ऐसे में छात्रों को अलग अलग पदों के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ रहा, जिससे कि उन्हें अलग अलग आवेदन शुल्क भी चुकाने पड़ रहे हैं। इसको लेकर अब छात्रों के द्वारा यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर संयुक्त पीटी परीक्षा हो रही है तो अलग से सभी पदों के लिए आवेदन शुल्क क्यों लिया जा रहा। आवेदन के शुल्क के नाम पर युवाओं से पैसों की लूट की जा रही। वहीं छात्र नेता दिलीप कुमार का कहना है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद जब मेंस होगा तो सभी पदों के लिए अलग अलग मेंस परीक्षा होगी और उसके लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान अलग अलग शुल्क देना होगा। ऐसे में जब अलग से ही आवेदन शुल्क लिया जाना है तो प्रीलिम्स परीक्षा भी अलग से ली जाए। बिजनेस आइडिया है तो इस योजना का उठाए लाभ। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ऐसा सोचते हैं कि उनके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है जिससे वह दूसरे को रोजगार दे सकते हैं, तो बता दें कि ऐसे लोगों के लिए बिहार सरकार की ओर से बिहार स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई है, जिसके तहत राज्य सरकार आपको स्टार्टअप शुरू करने के लिए बिना ब्याज पर लोन देगी। ऐसे में इच्छुक उद्यमी इस योजना का लाभ लेने के लिए https://startup.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप के तहत प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ लेने के लिए स्टार्टअप पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है। वहीं इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उद्यमी हेल्पलाइन नंबर 1800345625 पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत सरकार की ओर से सीड फंड के रूप में 10 साल के लिए 10 लाख रुपए बिना किसी ब्याज के दिए जाते हैं, जिनमें से महिला उद्यमी स्टार्टअप के लिए सीड फंड के रूप में 5%, जबकि SC/ST और दिव्यांगों को 15% रकम दी जाती है। हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार की ओर से कुछ पात्रता की शर्तें भी निर्धारित की गई हैं, जिसे पास करना उद्यमी के लिए जरूरी है। मालूम हो कि इस योजना के तहत उद्यमियों को कई कॉमन फैसिलिटी भी दी जाती है, जिनमें से को वर्किंग स्पेस, कॉमन रिसर्च और विकास लैब, कॉन्फ्रेंस रूम, हाई एंड प्रिंटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कॉमन टेस्टिंग लैब, टूल रूम, विधि लेखा, टेक्नोलॉजी, निवेश एवं बैंकिंग जैसी सामान्य सुविधाएं शामिल हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल इंजरी सेंटर एवं फिजियोथेरेपी क्लिनिक का हुआ उद्घाटन। ब्रेन एंड स्पाइनल इंजरी सेंटर एवं फिजियोथेरेपी क्लिनिक विधिवत उद्घाटन जाने माने चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर आरएन सिंह के द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में बिहार के कई चिकित्सकों ने भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर आरएन सिंह ने बताया कि आज के समय में फिजियोथेरेपी ब्रेन एवं स्पाइन के मरीजों में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। डॉक्टर नरेंद्र सिन्हा ने बताया कि फिजियोथेरेपी के बिना चिकित्सा जगत अधूरा है। मेडिसिन विभाग के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर बीपी सिंह ने भी अपना वक्तव्य दिया। शल्य चिकित्सक डॉक्टर कमलाकांत, डॉक्टर प्रतिभा प्रकाश, डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर धीरज, डॉक्टर शशिकांत एवं बहुत से चिकित्सक ने भाग लिया। बता दें कि इस कार्यक्रम का समापन सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत कुमार द्वारा किया गया तथा उन्होंने बताया कि आज के समय में समाज में ये सेंटर मिल का पत्थर साबित होगा। पटना हाईकोर्ट ने LNMU पर लगाया 10,000 का जुर्माना। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद के द्वारा PhD करने के लिए शोध पत्र को जमा करने के बाद भी शोध करने वाली अभ्यर्थी को 6 साल तक PSC परीक्षा से वंचित किए जाने के मामले पर अरुणा भारती की याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया और कहा गया कि सरजाने की रकम को विश्वविद्यालय मुकदमा खर्च के तौर पर याचिकाकर्ता को 1 महीने के अंदर भुगतान करेगा। इसके अलावा कोर्ट की ओर से इस बात पर भी नाराजगी दिखाई गई कि छोटे छोटे बहाने की आड़ में विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा याचिकाकर्ता के शोध पत्र को जमा करने के 6 साल बाद भी उससे PhD परीक्षा को फीस एवं फॉर्म जमा नहीं करने दिया गया, जिससे कि याचिकाकर्ता के महत्वपूर्ण साल बर्बाद हो गए। शराब तस्करी में 2 महिला समेत 4 धंधेबाज गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की टीम की ओर से जीतोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा। बता दें कि ताजा मामला नालंदा जिले का है, जहां उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर बिहार थाना क्षेत्र के घर पर निचली किला मोहल्ले में एक पत्तल और प्याला बनाने वाली कंपनी के लिए सामान लाने वाले ट्रक से हरियाणा निर्मित विभिन्न प्रकार की शराब की बोतलें बरामद की गई है। इसके साथ ही उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा 2 महिला सहित 4 तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि फिलहाल उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर विजयकांत ठाकुर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस मामले की जाँच चल रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हड़ताल पर गई आशा वर्कर को लेकर नीतीश सरकार एक्शन में। हिंदुस्तान न्यूज वेब पोर्टल के अनुसार राज्य सरकार की ओर से अब 90,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं के ऊपर सख्त रुख अपनाते हुए यह निर्णय लिया गया है कि बीते 12 जुलाई से राज्य के जो भी आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं उन पर कार्रवाई की जा सकती है।
बता दें कि इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर आशा कार्यकर्ताओं को 4 कार्य नियम अनुसार अनिवार्य रूप से करने को कहा गया है। इसके साथ ही इस पत्र में यह भी कहा गया है कि राज्य के कई प्रखंडों में आशा एवं आशा फैसिलिटेटर पिछले सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे कि काम बंद हो गया है। इसके साथ ही सारण के अमनौर सहित कई प्रखंडों में स्वास्थ्य विभाग के कार्य में भी बाधा पहुंच रहा है। फील्ड सर्वे करने गई NM व आंगनवाड़ी सेविका से कुछ आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा रजिस्टर की छीना झपटी की गई है, जो कि कृत्य न्यायालय के आदेश की अवमानना है। इसलिए जो आशा कार्यकर्ता एक्टिव नहीं है, उन्हें चयन मुक्त किए जाने का प्रावधान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 कार्य अनिवार्य रूप से करने पर ही राज्य व केंद्र सरकार की ओर से आशा कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह भुगतान करने का प्रावधान है। ऐसे में जिन आशा कार्यकर्ताओं के कार्य अश्विन पोर्टल पर नजर नहीं आ रहे, उनको हटाने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जो आशा कार्यकर्ता या आशा फैसिलिटेटर स्वास्थ्य कर्मी या मरीजों को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। पटना मार्केट के पास डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य इस दिन से होगा शुरू। अशोक राजपथ में PMCH पटना मार्केट के पास डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य अक्टूबर से शुरू किया जा सकता है। बता दें कि इसके निर्माण को लेकर जमीन के लिए PMCH प्रशासन को पत्र लिखा जा चुका है। वहीं फिलहाल पटना मार्केट के पास मेट्रो के निर्माण कार्य को लेकर डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य रुका हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए गोविंद मित्रा रोड के सामने PMCH की स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग की बिल्डिंग के हिस्से की जमीन का अधिग्रहण होना है। इसलिए इस जमीन पर बनी बिल्डिंग को LNT कंपनी के द्वारा तोड़ा जाएगा और फिर खाली जमीन पर आगे के निर्माण कार्य को पूरा किया जाएगा। वहीं सब्जी बाग के पास कैथोलिक चर्च की बाउंड्री भी फ्लाईओवर के निर्माण में आएगी। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के आधार कार्ड में छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार। गुजरात की साइबर पुलिस के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधार कार्ड में छेड़छाड़ करने के मामले को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के सदरपुर गांव से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी पहचान अर्पण दुबे उर्फ मदन कुमार के रूप में की गई है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक उसके मोबाइल में आधार कार्ड में छेड़छाड़ करने के सबूत मिले हैं। वहीं पुलिस के द्वारा आरोपी के मोबाइल के साथ साथ उसके बड़े भाई का मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। इस मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार के द्वारा बताया गया है कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद गुजरात पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आधार कार्ड को कई जगह पर गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही उनके आधार कार्ड में मौजूद कई डेटा से छेड़छाड़ भी की गई है। राजद ने पीएम मोदी की नैतिकता पर उठाया सवाल। आज यानी कि गुरुवार को संसद में विपक्षी एकता का केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा गठजोड़ देखा गया। दरअसल आज सदन में विपक्षी पार्टियों के द्वारा मणिपुर सहित देश के विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने का काम किया गया। जवाबदेही का एहसास कराने के लिए विपक्षी दलों के सदस्यों के द्वारा काला कपड़ा पहनकर अपना विरोध जताया गया और साथ ही संसद से बाहर सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इन सब के अलावा संसद में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के द्वारा चीन के साथ सीमा स्थिति पर चर्चा की मांग करते हुए लोकसभा में स्थगित प्रस्ताव नोटिस दिया गया और साथ ही मणिपुर पर चर्चा की मांग करते हुए कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के द्वारा भी लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया गया। वहीं राजद सांसद मनोज झा के द्वारा कहा गया कि विपक्ष के द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 109.74 रुपए और डीजल 96.36 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.30 रुपए और डीजल कीमत 95.01 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.61 रुपए और डीजल कीमत 95.31 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.35 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.99 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, अनवर करीम खान, कमल किशोर, गोनर शर्मा, रोशनी खातून, मोहम्मद सकीर हुसैन, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, नुनू गोलू कुमार, मोटू रंगीला, अमरजीत यादव, परमात्मा मांझी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है आपके क्षेत्र में मौसम की क्या स्थिति है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।